साथियों, इनकी नियत में खोट का एक और प्रमाण ये कानपुर शहर का ही मैं उदाहरण देता हूं। आपने खुद देखा है कैसे मां गंगा को साफ और स्वच्छ करने के नाम हजारों करोड़ रुपए पता नहीं कहां चले गए, कौन ले गए, पानी में गए कि पॉकेट में गए। लेकिन भाइयों बहनों, तिजोरी तो खाली हो गई लेकिन मां गंगा की गंदगी में कमी नहीं आई। ये सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं है भाइयों? हालात तब बदलने शुरू हुए जब 2014 में आपने, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया, तब हालात सुधरना शुरू हुआ। मां गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए हम गंगोत्री से गंगा सागर तक एक संपूर्ण सोच के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, श्रद्धा और समर्पण भाव से हम दिन रात जुटे हुए हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत देश भर में 325 प्रोजेक्ट्स, उस पर काम किया जा रहा है, जिसमें से 50 से अधिक प्रोजेक्ट अकेले हमारे यूपी में गंगा के तट पर है। साथियों, कानपुर में गंगा जी को जो स्थिति थी उसको देखकर लोग अक्सर कहते थे कि स्थिति को बदल पाना नामुमकिन है, लेकिन हमारी सरकार ने देश को यह विश्वास दिलाया है कि नामुमकिन भी अब तो मुमकिन है। इसके लिए एक व्यापक रणनीति के साथ काम किया गया। कानपुर में गंगा जी में जो घरों की गंदगी और उद्योगों की गंदगी नालों के माध्यम से बह रही थी, उसको बंद करने और नालों के पानी को ट्रीट करने का एक व्यापक अभियान हमने चलाया है। एशिया के सबसे बड़े नालों में से एक सीसामऊ नाले के गंदे पानी को सीधे गंगा जी में जाने से रोकने का काम पूरा हो चुका है। इसी तरह जाजमऊ ट्रेनरी के पानी को ट्रीट करने का काम भी आज से शुरू हो रहा है। घरों से निकलने वाले सीवेज को ट्रीट करने और घाटों की सफाई और सुंदरीकरण के अनेक प्रोजेक्ट की आज उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। साथियों, हमारी सरकार ने नमामि गंगे अभियान के तहत यहां के चमड़ा उद्योग के लिए भी एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना के तहत आज चमड़ा उद्योग से निकलने वाले पानी को साफ करने के लिए बहुत बड़े प्लांट की आधारशिला भी आज रखी गई है। इससे हर दिन 2 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा में जाने से रुकेगा।